फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव ऑन माई बेबी क्लोथिंग वीडियोज। तो ऐसे ही मैं एक और हॉल लेकर आई हूँ जिसमें मैं बेबी की विंटर स्टफ आपके साथ शेयर करूँगी, जो बहुत ज़्यादा चीप रेट्स में आप कह सकते हो और हद से ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी में है, और वो सब भी ब्रांडेड है क्योंकि मैंने वो परचेज़ की हैं। आप थंबनेल देख के जान ही गए होंगे वो मैंने परचेज़ की हैं आजियो से। एक्चुअली आप सब जानते होंगे आजियो पे सेल चलती रहती है, तो आपको बहुत सारे जो रेट्स हैं वो चीप रेट्स में बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो आपको मैं लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से बाय कर सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट द हॉल, वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी फर्स्ट आइटम है वो है ये, आपको जो इसकी रियल पिक है अभी शो हो जाएगी कैसा है, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये मुझे कुछ ऐसा रिसीव हुआ। सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगती है कि इसके साथ हमें मिलता है हैंगर, और लाइक मैं अपनी अलमारी में बच्चे के कपड़े जो है एकदम हैंग करके रखती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो इसी में पीछे इसकी पजामे गिवन है, आगे ये टॉप गिवन है, और जो मैंने इसका साइज लिया है अगेन वो लिया है 18 to 24 मंथ्स के बेबी का। और इसका एक्चुअल प्राइस मैं बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा जो कि है 599 रुपीज। 599 में कोई चौंकाने वाली बात नहीं है क्योंकि जैसे इसकी क्वालिटी है ये 599 रुपीज जस्टिफाई करता है। बट ये मुझे जिस रेट में मिला आपको ये अभी दिख जाएगा, स्क्रीन पर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इसकी। टॉप की तो देखो, टॉप एकदम सिंपल लुकिंग में है, बट जो इसके यहाँ पे टाइगर है वो प्रिंट नहीं है, वो आप देख सकते हो अलग से थोड़ा हैवी में कपड़ा लगा हुआ है, जो कि एक बहुत प्यारा टाइगर बन के आगे आ रहा है। आप ये वाइट में है, इसकी जो आर्म्स दे रखी हैं रेड और वाइट और रेड कलर का कॉम्बिनेशन तो मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप ये देखो, ये कुछ ऐसा है क्वालिटी में। इसका मैं अगर कपड़े की बात करूँ तो ये कॉटन है, प्योर कॉटन है, और 29.21 सेंटीमीटर जो चेस्ट लिखी है इसकी। और अगर आप 18 मंथ्स के बेबी के लिए देख रहे हो और आपका बेबी थोड़ा सा चबी है, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग 12 मंथ तक के बेबी के लिए इसको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि 18 मंथ के आई डोंट थिंक सो कि ये चबी बेबी को आएगा। तो अब मैं बात कर लेती हूँ इसकी बॉटम की। तो बॉटम मुझे कुछ ऐसी गिवन है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। जैसे इसका आर्म था, दोनों जाओगे बाहर, जैसे इसका आर्म था वैसे ही रेड कलर का यहाँ दे रखा है, वाइट कलर की टी शर्ट के साथ कॉम्बिनेशन है, अगेन ये कुछ ऐसे दे रखा है। और जैसे कि हर ब्रांड पे आजू के लिखा होता है मॉम्स लव, तो इस पर भी ये मॉम्स लव टैग लगा हुआ है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपके साथ ब्लैक कलर का ट्रैक सूट जो बेबी का विंटर का था वो शेयर किया था, और उसी प्राइस में ये मुझे मिला है। और इसके टैग पे भी जैसे मैंने बताया आपको मेड विद लव लिखा होता है, और मॉम्स लव ब्रांड का ये है। तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है, मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, और एज सून एज पॉसिबल मैं अपने बेबी को पहनाऊंगी, और बाद में मैं आपके साथ आफ्टर रिव्यू शेयर करूंगी कि वॉश करने के बाद कैसा है। तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है कुछ ऐसा, आप रियल पिक इसकी देख सकते हो ये कैसा था, और मुझे नहीं लगता कि रियल पिक से कहीं भी अगेन ये ऐसी पॉलिथीन में पैक होकर आया है। और आपको आज के सारे जो कपड़े हैं वो ऐसे मॉम्स लव की पॉलिथीन में आते हैं, अगर कहीं और से आपको कोई और पॉलिथीन रिसीव होती है तो आप प्लीज़ वो एक्सेप्ट ना करिएगा, क्योंकि आज के कपड़े रियल में जो होते हैं वो ऐसे ही मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, मतलब आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ना आपको विंटर में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, और सबसे ज़्यादा इसकी जो ऐसे बनी वाली कैप है। तो चलिए पहले मैं इसके टॉप की बात कर लेती हूँ, ये कुछ थोड़ा सा मुश्किल है निकालना। तो गाइस सबसे पहले ये इसकी टॉप है,
आप देख सकते हैं वुलन में है ये, थोड़ा सा ऊन का जो होता है वैसे में दे रखी है इसकी बनी वाली, जैसे मैंने बताया गैप है। और ये थोड़ा ट्रैक सूट टाइप में मंगवाई थी जिसकी फ्रंट जिप है और इजली जिप ओपन हो जाती है। इसके साइड में जो आपको मिलती है वो दो आपको पॉकेट मिलती है। और अगर मैं इसकी बात करूँ 18 to 24 months, तो देखो जो लाइक आगे से जिप वाले होते हैं वो इजिली बच्चा लॉन्ग टाइम तक वेयर कर लेता है, और इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग आई थिंक 18 to 24 months के बेबी को ईजिली आ जाएगा। तो अगर आप ये लेने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ये ले सकते हैं। अब मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा, और आप खुद बताइए कि इस रेट में आपको विंटर क्लोथ्स मार्केट में कभी अवेलेबल हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है शॉपिंग एक्सपीरियंस, मुझे नहीं लगता है इस रेट में कभी अवेलेबल हो सकता है। अगर मैं इसकी लेगी मतलब पैंट की बात करूँ तो ऑफकोर्स पैंट की लेंथ भी थोड़ी सी लंबी है, मतलब उनकी थी वो थी 12 months की बेबी को आ जाती, लेकिन इसकी मुझे लगता है 18 months के बेबी तक वेट करना पड़ेगा, 18 नहीं तो 15 months तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। और आपका बेबी चबी है तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा पहले आने स्टार्ट हो सकती है, अदरवाइज 18 to 24 को ईजिली आएगी। तो ये भी कुछ ऐसे है, ऊन में है, अंदर से भी वही है, ऊन का ही कपड़ा है। और ये भी मॉम्स लव की 18 to 24 months की बेबी की है। इसमें बहुत सारे साइजेस अवेलेबल थे तो आप अपने बच्चे के साइज के हिसाब से मंगवा सकते हो। इसका जो टैग है वेट मैं चेक कर लेती हूँ इसमें टैग कहाँ है। सो या इसमें टैग है, ओ माय गॉड, इसका जो टैग है वो कहता है कि ये 999 rupees का 1000 का। और अगर आप बाहर जाके पूछेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको सेल में भी ये कहीं भी 600-700 से कम नहीं मिलेगा। तो ऐसे स्टफ भी आप आजियो पे चेकआउट कर सकते हो। इसका मैंने एक और पीस मंगवाया है, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हॉल ज़रूर शेयर करूंगी, बट ये क्वालिटी में माइंड ब्लोइंग है, तो आंखें बंद करके अगर आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। तो चलो ये हॉल में यही ख़त्म करती हूँ, और अगली वीडियो आपको जो मिलेगी वो मिलेगी जैकेट्स की, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, सो बेबी की जैकेट बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहती है। आप भी चाहो तो जैकेट्स भी चेकआउट कर सकते हो, बहुत बहुत अलग अलग साइट से मैंने हर किसी की क्वालिटी देख कर मंगवाई है। तो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगली वीडियो बेबी जैकेट्स की ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।